हेलो दादाजी, राम राम। हेलो दादाजी, राम राम। ये ब्लॉग बर्बाद करेगी मेरा। मैंने सोचा कि शुरू कर ही देते हैं ब्लॉगिंग, तो आज अब मैं जो करूंगी मैं कितने, हाँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं सुबह उठ के प्रिंसेस की तरह से रेडी हुई हूँ ये हेयर बैंड लगा के। तो हेलो दादाजी, ये मैंने बना लिया अभी, नौकर रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, इन्हें नौकर रखा हुआ है महारानी साहिबा को। अभी जब ये निकलेंगी ना ऐसे थाट बन के। और ये देखो मैंने रात को बनाई थी खीर, दिखाई हो खीर। सही कर लेंगे हम ब्लॉगिंग में से, तो मुझे तो खीर देखिए ये मत डालिए, उन्होंने बेइज्जती नहीं करनी ना। ठीक है, और अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ टिम हॉर्टन्स के कपड़ों में। तो आई विल कैच यू सून, बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। हेलो, 1:40 में बस आनी थी, वो आई नहीं, पता नहीं क्यों या वो चली गई। तो अब 1:53 पे आएगी, ये आई है पीछे से आ रही है बस। तो आई एम वेटिंग फॉर द बस, 2 बजे की शिफ्ट है और फिर बारिश हो रही है। हेलो फैमिली, ये देखो अंदर बैठी हुई हूँ, पीछे स्टोरेज एरिया में, नहीं स्टोरेज नहीं है, जिन किचन किचन टाइप ही है। ये ऐसे हेयर नेट डाली हुई है ना, ये पहन के बैठना पड़ता। और ये है मॉनिटर, बीच का दिन रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। ये चॉकलेट डिप डोनट, रेटिंग हॉटन्स का गिलास ये नम्रता पी रही है। और ये देखो बाहर वो ऑर्डर दे रही है, अगर आपको दिख रहा है। ये अभी बजे हैं हमारे, लेट मी सी, अभी बजे हैं 6:30, 3.5 घंटे और रह गए हैं। मैं माई बेस्ट ट्राई एट ब्लॉगिंग, ओके बाय। राम राम दादाजी, निकली हूँ अभी बाहर टिम हॉर्टन से, बज रहे हैं कुछ 2:10 या 3 मिनट और बस की वेट कर रही हूँ, पर बस आएगी 20 मिनट बाद। फिर मैंने सोचा कि कैब ही बुक कर लूँ, तो $5 में कैब बुक कर लिया, क्योंकि और वो आधा पौना घंटा सड़क पे नहीं खड़ा जाना, बड़ी ठंड इतनी नहीं है, पर यार क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ, सुबह फिर ड्यूटी है। बस मैंने कर ली बुक, मुझे नहीं पता कोई एक्सप्लेनेशन कि मैंने क्यों बुक किया। सड़क दिखाती हूँ आपको, रुको। ये है मेरा टिम हॉर्टन्स जहाँ से मैं बाहर निकली हूँ। तो यहाँ पे ऐसे बटन होते हैं, इनको प्रेस करो ना तो जैसे सामने सिग्नल है, जो ये हाथ बना हुआ है, तो ये ना भागने वाला बंदा बन जाता है कि तुम जाओ। तो ये बाहर निकले, तो ये मैं हूँ ओक स्ट्रीट पर, मैंने जाना है सामने, और वो स्टेशन है ना ये वाला, ये जिस पे मेरी उंगली जा रही है, हाँ। तो मैंने यहाँ जाना है, ओह मैंने बटन ही नहीं दबाया सच, ओ सच, नहीं 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 नहीं, इतनी कमली हो गई हूँ, मेरा तो कैब वाले भैया आ रहे हैं। तो ये है कनाडा की सड़कें भाव जी, और ये मैं पी रही हूँ आइस फ्रैपे, आइस कैपेचिनो। आज कैमरे में अच्छी लग रही है तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। ये देखो इसके अंदर मैंने डाला चॉकलेट सिरप, और ये देखो कनाडा का झंडा, और ये देखो क्या लिखा टिम हॉर्टन्स। अभी ना ये वीडियो जिस एंगल में बना रही हूँ उससे उल्टी में आएगी, मुझे नहीं पता क्यों, बट आई विल चेंज दी सेटिंग्स टूडे आई गेस। और बस तो आ गई, और बस का क्या लेना देना है, चलो लेट मी चेक माई कैब एंड गेट बैक टू यू। कैब चेक कर लिया, 5 मिनट अवे है, ते वो रही बस, ऐसे ही दिखा देती हूँ। और क्या दिखाने वाला, यही है बस जिंदगी, 8 घंटे की शिफ्ट लगा के आई हूँ, और ब्ला 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 ब्ला। पर यार ये थोड़ा ना जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा मीठा बन गया, मुझसे पियन जाना, हिमांगी को दिखा दूंगी बाकी का। और मैंने उसके लिए लिया एक पम्पकिन स्पाइस मफिन, और क्या लिया मैंने, और चॉकलेट चिप मफिन लिया है,
और अपने लिए बोस्टन क्रीम डोनट लिया है, बट अब मैं वो खाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत मीठा हो गया। और आज प्याज वाली परांठी बना के लाई थी पर खानी भूल गई क्योंकि नाश्ता करके आई थी। अब वो घर जाके बने हैं काले चावल और राजमा, वो खाऊंगी जाके। ओके, कैब में जब बैठ के अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ तो वीडियो बनाऊंगी, वरना घर जाके बनाती हूँ कि कैसे बनाया हिमांगी ने राजमा। ऐसी मैं फुटेज खींच रही हूँ यार, मुझे नहीं पता, मेरे को ब्लॉग देखते रहो तो अच्छा लगता है पर बाद में नहीं पता चलता। ओके बाय, नहीं स्टे ट्यून्ड। हाय दादाजी, वंस अगेन हाय, मैं आ गई घर। कैब ड्राइवर पंजाबी था तो बातें करने लग गई, दरवाजा हमारे लिए खुला ही हुआ है। आज तो इतने मजे आए, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आ गई फिर ये यहाँ बातें कर रहे हैं तो दरवाजा खुला ही हुआ था। ये हो गया हमारा दिन खत्म, अब खाना खाऊंगी तो आपको अपडेट दूंगी। कृष्ण जी को हाय बोल दो, गिम्बल होगा तो कैमरा अच्छे से सेट कर लूंगी। हेलो दादा जी, ये देखो अब हम कृष्ण जी को भोग लगाने लगे क्योंकि हमने डिनर करना है। ये एलिमेंट देना जरूरी नहीं था बीच में। ये देखो ये जंगा लेके आई हूँ बाबूजी, जो घर पे पड़ी है ना मेरे पास, इसके साथ हमने सुबह खेला था, वो वाला स्निपेट ना बीच में डाल दूंगी वीडियो में जिसमें इसमें गिरा दी थी सारी जंगा। चलो मैं रोटी खाने लगी हूँ, मैं आपको रोटी का ओवरव्यू देती हूँ। हेलो दादा जी, हम ना स्कूल में खेलते थे ना, उससे क्या कहते हैं ये स्कूल में जब ना टिफिन ख़त्म हो जाता था ना तो उसके बाद ऐसे ना बहुत सारे इकट्ठे करके फिर हम लोग कॉपी के साथ खेलते थे। तो अब ये तो मेरी आज रोटी में से बचा है और हमारे पास चॉपिंग बोर्ड है जो बैट जैसा है, तो अब हम ये खेलने लगे हैं। देखोगे हाय दादा जी, हम खेल रहे थे पर वो फोन पे बात कर रहा है तो हम धीरे में बोल रहे थे, तो हम धीरे बोल अब हम बाद में खेलेंगे। तो क्या कहते हैं, याद ही बोल, मैंने दो फॉलोअर लिए जोड़ दिए तो आवाज़ बहुत तेज आई, तुम चुपचाप बैठ के। अब ये सुबह की दोपहर की रोटी थी क्योंकि मैं खा के गई थी तो बच गई। दादाजी देखो, दादाजी हाँ पतीसा, फिर कहने मैं मोटी हो जाना मिठाई खाती रहती, तो यहाँ देखो पर मसाला मैंने बनाया था बस इसने और चने भी उबाल के रखे चट, तो चने भी इसने मैंने डुबो के रखे हुए थे, बस इसने पानी पाया सीटी मार दी वो भी कच्चे रह गए। ये देखो स्वाद बने हैं, फिर कहती अच्छे बने हैं, मैंने कहा अच्छे बने हैं, फिर कहती मैंने बनाए हैं, मैं कहा चुप कर माँ चुप कर। फिर मैंने कहा चुप कर कुतिया, वो ये भी नहीं बोल सकते, इसको बीप कर दूंगी एडिटिंग में, ठीक है। फिर मैंने कहा चुप कर हैं, क्योंकि मसाला तो मैंने ही बनाया था, फिर कहती चुप कर चुप कर, फिर पानी तो डाला इसने, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ज़्यादा हवा कर रही थी पर सिर्फ सीटी दिलवाई है वो भी कच्चे छोड़ दिए तेने, पर इतने कच्चे हैं मैं पूरे कर रही थी पर वो सीटी बजी नहीं थी कुकर की। पहले एक दिन सब्जी बनाई, पहले तो दो तीन बार इतनी अच्छी सब्जी बनाई, फिर तारीफ कर दी ना, फिर दिमाग बंद कर वो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा हम यूट्यूब पे। अच्छा बंद कर। फिर कहते हैं फिर एक दिन दाल बनाई,
हाँ सुंदर नहीं लग रही, मेकअप करके आ जाए जल्दी का, असलियत दिखानी है ना यार। एक तो ना वीडियो रोटेट हो जाती है, मैंने सेटिंग नहीं करनी, छोड़ो वो बात बाकी। ये पागल है, ये पागल क्या बोली है वीडियो में, मेरे घर वालों ने देखनी है। अच्छा तो मैं ये कह रही हूँ कि अधे रस्ते ही हूँ, हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर एक दिन इसने बनाई दाल, उसमें सिर्फ क्योंकि इसको सिर्फ मिर्ची याद रहती है, बाकी मसाले इसको लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते नहीं, तो इसने सिर्फ लाल मिर्च डाली, फिर अगले दिन इसने बनाई शिमला मिर्च और ये दूसरे तरह के पेपर आते हैं वो, फिर इस बंदी ने और उसमें इतनी मिर्ची कि मेरे नाक से पानी, मेरे आंखों से पानी, मेरे मुंह जल रहा चुप रहा। फिर कहती है कि वो शिमला मिर्च ऐसी थी क्योंकि वो लाल पीली थी कि उसमें मिर्च होगी। मैंने कहा चल ठीक है बहन, तेरे को माफ़ किया। फिर अगले दिन मैंने कच्ची वो शिमला मिर्च खाई, कोई उसमें मिर्च नहीं, पता नहीं इसको क्या प्यार है इतना मिर्च से। फिर बाद में जब वो एक बीमारी होती है ना जो हो जाती है ज्यादा मिर्च खाने से वो ही ना, फिर इसको पता चलेगा। इन शॉर्ट यार मैं व्लॉग की लेंथ खींचने के लिए कुछ भी कर रही हूँ, पर ये देखो ये बनी है ये। अब उठ जा, मेरे को खाना तो खाने दे, तमीज से खाना तो खिलाए, इतनी देर काम कर गई। वो लगा के ना विकेट वो वाली चेयर ले गया, तो अब मैं ऐसे ही खाऊंगी खाना। और खाने का रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया, प्याज वाली परौंठी और ये दही रात को खानी मन है। और ये मैं मानी की स्वेटशर्ट डाल के बैठी हुई हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, ये नहीं डालूंगी मैं व्लॉग में, सबको डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ मैंने एडिटिंग करना, मैंने बनाया था भंगी लाइक पूरी भंगी। आई एम स्टिल हॉटर देन यू। बस इस वीडियो पे जब भी किसी दिन मीम बना प्लीज़ इसके ऊपर इतने मीम्स बनाना दुनिया वालों, मैं क्या ही बताऊँ। और इस ब्लॉग का टाइटल पता क्या रखेंगे, जितने मेकअप करके आएंगे ना उतनी बात करियो। हाँ मेकअप करके आएंगे, आर्टिफिशियल ब्यूटी पर जाएंगे, मेरे को चाहिए। अच्छा मेरे व्लॉग्स का मेन मोटिव यही है, जितने मेरे व्यूअर्स हैं और पता चले 10 भी आ रहे हैं, कि रियलिटी दिखानी है ज़िंदगी में क्या होती है। और वैसे भी थ्रेडिंग करके अच्छे लग रहे हो तो इट्स फाइन। अच्छा मैं तेरे को क्या कह रही थी, आई फॉरगॉट, आधी सीट पे बैठी हूँ, मेरे को अब शब्द में यूज भी नहीं कर सकती क्योंकि क्या किया इसमें बोला नहीं, पर तुम मुझे बता, मेरे मैं नहीं बता नहीं बताएंगे। अच्छा कान में बताइए फिर बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं चुप रहे कर ली दिखाई। ओ हाँ तभी जगह चिकनी क्यों लग रही है, नहीं नहीं मैंने सिर्फ ऐसे ही मारी, वो आधी हुई आधी नहीं, एक स्ट्रिप रहती थी तभी मैं चिकनी क्यों लग रही है, मैंने हुए नहीं, मैंने कहा यार यहाँ पे इतने बाल रह गए तो मैंने हाँ, मारे। और फ्यूचर पीपल देखिए फेस रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वैक्स ना सुन तो, पर ये वाला रह गया कि स्ट्रिप्स खत्म हो गई थी पर पता नहीं चल रहा, मैंने बस ऐसे कर मेरी मेरी जिसने लेजर की थी ना मुंह की उसने इतना एरिया सब छोड़ दिया था, कहती लोड नहीं है क्योंकि यहाँ पे झुर्रियां पड़ जाएंगी तो यहाँ वैक्स मारने की जरूरत ठीक है बस प्रॉपर अभी मैंने सिर्फ आधी कुर्सी से कम ली हुई है तब भी ये गिर गई और फिर मुझे कहती तू मोटी। बाकी कितने बज गए, 12:02 है, मैं बोलती मेरी थोड़ी छुट्टी कब होगी, मैंने कहा 10 बजे, कहते 10 बजे नहीं अब तुम्हारे, मैंने कहा 4 मिनट बज जाएंगे। तो बाबू जी आज का व्लॉग हम यही खत्म करेंगे फैंस, और व्लॉग का हम नाम, मेरा नाम पता क्या रख रही हूँ, हिमांगी यादव एन अटेम्प्ट टू व्लॉग, क्योंकि अटेम्प्ट ही है, फॉलो करो मेरा ये व्लॉग में कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया तो गा पा देना गा, पर तू हर व्लॉग में मुझे साथ में ले लेना खूबसूरती लोग प्लीज जो भी ये व्लॉग देखे प्लीज इसकी खूबसूरती पे कमेंट तो कर ही देना, खूबसूरती बात करना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ज्यादा कर देना। हाँ वो बहुत अच्छा है इसका, पर जब एक दिन में 10 बार बोलती है तो हंसी आनी क्या तरस आना शुरू हो जाता है मुझे। बाकी प्याज वाली परौंठी खा रही हूँ, बड़े दिन बाद स्कूल की याद आ रही है, मम्मी की भी याद आ रही है, और मैं होम सिक नहीं हूँ, मैं कंट्री सिक हूँ, everyone is country sick, no one is home sick. पर ये मैंने रात को डिस्कवर किया तो मैं ये ट्वीट करूंगी तो मेरा डायलॉग नहीं कॉपी कर सकती, मेरा कॉपीराइट है इस पे कि I'm country sick not home sick, चुप रह। जो भी आता है ना वो पहले बोल चुका होता है, तू वो भी बोल रही है कंट्री सिक, तूने कभी बोला तू सिर्फ होम सिक ही बोल रही, चुप रह चुप रह, इसने मेरे से वर्ड सीखा और बोली जा रही है मानव मंगल की। गाइस मेरे को मानव मंगल की क्लास पूछ नहीं है, पर ये थोड़ा आईक्यू इसका ट्यूबलाइट से भी पीछे है, मेरा आईक्यू कम नहीं मेरी याददाश्त कमजोर है, दैट्स इट, सारा दिमाग तो अपनी हॉटनेस बढ़ाने में जो बढ़ भी नहीं रही, बढ़ रही है। ओके पापा कोई नीचे कमेंट मत करना, हम ऐसे ही बात करते हैं, आजकल की जनरेशन है वैसे भी हमारे साथ चलने की कोशिश करे तो जस्ट बियर विद अस। ओके पापा गुड नाइट, राम राम नमः शिवाय, बाबूजी गुड नाइट, राम राम नमः शिवाय। वैसे अगर कोई कांड किया तो इस व्लॉग के एंड में ऐड कर देंगे, वैसे तो अभी कोई कांड करेंगे नहीं, आज मैंने अपनी गलती से फेस मार दिया।
बस यही है। आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ कैमरे में। अबे मेरे बम दुख रहे, जल्दी कर। ए क्या बोली यार क्या? अच्छी सेल्फी में चुत्ता दुख रहा। मैं तो डाल देना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इसने बकवास किया। पापा मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज करती। झूठ बोल दिया अंकल। सुबह सुबह उठती है। ओके बाय। ओके लोग क्या कहते हैं, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही देखेंगे, पर किसी और को दिखेगी तो सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मैंने ना बहुत देर माय लाइफ इन वन पिक्चर। ये व्लॉग का चैनल मेरे ऊपर है, तेरे ऊपर नहीं है। मेरी जिंदगी को ओवरलैप करने की कोशिश मत कर प्रिंटर। जिंदगी इतनी अच्छी है, मैं क्या करूं। इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। जिस दिन इसने काम पे जाना है ना रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद जब ये घर आएगी तब पूछेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर व्लॉग। और एक दिन जॉब जाती हूँ मैं रेस्टोरेंट के, ऑल्डो में काम करती हूँ, ऑल्डो 50% डिस्काउंट के साथ। करती क्या वहाँ पे? वहाँ पे सिनोनिम सेल्स बोथ। मतलब पता क्या, जिदा आप जाते नहीं इंडिया नागपाल की दुकान पे, तो कहते भाजी जूते दिखा दो, फिर भाजी कहते भैन जी तुम बैठा। वो काम नहीं मेरा, झूठ बोल रही है। भैन जी तुम बैठो, फिर पैर चप्पला पा के दिखाने भैया दूसरा साइज लेके आना। दिखाती हो तो सेल्स का काम किया तेरा? सेल्स में जूते पहन पैर। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, चौड़ा बाजार के बाद वो खड़े नहीं थे, पैन जी आके देखो दुकान जाके देखो, इसको ऑल टाइम बाहर खड़ा के बोल करते हैं। नहीं, वो बोलते मुझे एक साइज में चाहिए, तो बस उनको एक साइज खोल के दे दिए, वो अपना पैन। नहीं नहीं फिर उसमें से फॉर्म निकाल के पैर में चढ़ा के देखती है, फिर कई बार मैं चढ़ाती हूँ अपना पैर, फिर कई बार उनके मोजों से स्मेल भी आ रही है, तो फिर घर आके रोती है कि इतना झूठ बोलती है। झूठी औरत चार चार रोटी खा जाती है बैठी बैठी, मोटी गेंडी भैंस। तेरे को पता भी है कौन ज्यादा खाता है? भगवान का नाम लेके बोल दे कौन ज्यादा खाना खाता है। भगवान की कसम खा के बोल दे कि मैं आके ये बात बोलती हूँ। क्या नहीं है तो तू नहीं बोलती, वो तो पता है। सार्कैज़म चला, तू ये बता दे खाना कौन ज्यादा खाता है। सौ खा के दस दे। ज्यादा खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कौन टफता कौन है पता चल गया होगा अभी तक। ओए मैं दिन में एक बार खाना खाती हूँ, देख रहे हो। बुढ़ापे में बुढ़ापे की बीमारियों को आगमन देती हुई लड़की, इसलिए बच्चों दिन में तीन टाइम खाना खाना मिलता। लंच यहाँ पे होता नहीं किसी का, और सुबह सुबह मैं लेट हो रही होती हूँ, तो फिर मैं जल्दी कनाडा माँ बाप ने जिंदगी बनाने भेजा है, हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं। और मैं ऐसे क्यों खा रही हूँ, क्योंकि रोटी टूट गई। ब्रेकफास्ट करके जाती है? मैं करके गई हूँ, आज चली गई है वैसे करके जाती है। और तक पता है मैं सच में नीचे करने वाली हूँ, बंद कर जान। ब्लॉग एंड कैसे करते हैं? बाय। मैं वो ट्यून लगा लूंगी, सब्सक्राइब वाला एक गाना नहीं है मयूर जुमानी का, वो लगाऊंगी। ओके गुड नाइट राम राम नमः शिवाय। क्या ठंडी हो रही है। गुड नाइट राम राम नमः शिवाय। गुड नाइट। ये क्या होता है बाबूजी, मैंने आपको यो यो करना सिखाया था ना। गुड नाइट राम राम नमः शिवाय। नमः शिवाय। राधे 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 राधे। ओके बाय। जय महेश्वरी। नो जय नो जय महेश। क्या था जो भी था महेश्वरी। प्लीज सपा करा सारा कवर सपा करा सारा सपा करा सारा कवर सपा करा सारा सपा करा सारा कवर।